जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कल हमने ये देख लिया था कि मूल अधिकार का जो लास्ट तीन अनुच्छेद थे, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और 35, साथ में हमने ये भी देखा था कि कुछ जो है विवादित कानून थे, जैसे अफस्पा का उदाहरण लिया था। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर समस्या राजनीतिक है या लोकतांत्रिक है तो उसका समाधान भी राजनीतिक या लोकतांत्रिक होना चाहिए, बल प्रयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो उचित नहीं है। वो भी एक कंटिन्यूस, थोड़े टाइम के लिए हो तो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूस बल प्रयोग ये जो है एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी जो राज्य है उसका कॉन्सेप्ट के बिल्कुल विरुद्ध है, ठीक है, उसकी इमेज के बिल्कुल विरुद्ध है। दूसरी बात, हमने न्यायपालिका के द्वारा कुछ प्रतिपादित सिद्धांत देखे थे, जैसे पृथक्करणीयता का सिद्धांत कि जितनी विधि जो है, विधि का जो पार्ट मूल अधिकार के अपोज में है, मूल अधिकार को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहा है, उसको निकाल करके बाकी पूरी विधि को क्या करेंगे, ओके करेंगे, मान्य करेंगे। दूसरी बात, हमने ये देखा था कि आच्छादन का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्लिप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स, इसका ये मतलब है कि संविधान, जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान पूर्व जो विधियाँ थीं वो जो अगर मूल अधिकार के खिलाफ हैं तो फिर वो क्या करेंगे, मूल अधिकार उन पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मूल अधिकार उन पर उनको क्या करेगा, आच्छादित कर लेगा, ठीक। और तीसरा हमने ये देखा था कि भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत, कि अभी तक जो संशोधन हो चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद एक पर्टिकुलर डेट के बाद जो भी संविधान संशोधन होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और वो क्या थी, केशवानंद भारती, ठीक। कभी कभार गोलकनाथ भी आपको आएगा कि गोलकनाथ केस के बाद जो है ये होता है। तीसरी चीज जो हमने देखा था कि तीन प्रसिद्ध केस देखे थे, वो देखा था संकरी प्रसाद, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। यहाँ पर एक करेक्शन है, ये आप वो एक वर्ड जो है वो मतलब चीज़ें उल्टी हो गई हैं तो उन्हीं को अब जो है क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले संकरी प्रसाद मामला, ये 1951 का है, यहां पर चीजें रिवर्स लिख दी गई थी, ठीक। शंकरी प्रसाद मामले में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) के तहत विधि के अंतर्गत नहीं आता, ये पहली बात थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में। और तीसरी बात, दूसरी बात ये थी कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये संशोधन सामान्य विधि की तरह नहीं होगा, बल्कि संविधान संशोधन मतलब संसद की संवैधानिक शक्ति के तहत होगा। मतलब मूल अधिकार में अगर संसद को परिवर्तन करना है तो कानून बना करके नहीं, बल्कि संविधान संशोधन करके ये जो है काम कर सकती। कल वाले केस में शायद यहाँ पर नहीं कर दिया गया था कि नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग ना करके जो है, क्योंकि वो सुविधा नहीं है, इस वजह से ये करना पड़ रहा, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखिए। शंकरी प्रसाद के जस्ट मामले को उल्टा कर दिया गया गोलकनाथ में। गोलकनाथ मामले में, जो कि 1967 का है, उसमें क्या किया गया, इसी को रिवर्स कर दिया गया। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे कि आर्टिकल 13(2) के तहत संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑफ शंकरी प्रसाद।
शंकरी प्रसाद मामले का जस्ट उल्टा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन आर्टिकल 13(2) के तहत किस में आएगा, विधि के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, संसद संविधान संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ पर जो बेंच बैठी थी वो 11 जजेस की बेंच बैठी थी, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध मामले हैं। यहाँ पर जो बेंच बैठी थी वो कम जजेस की बैठी थी, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, 5 या 7 ऐसे ही थे। इस मामले को पलटने के लिए आपको ज़्यादा जजेस चाहिए थे तो 11। अब इस मामले को जब ये चीज़ें हुई कि संविधान संशोधन नहीं कर सकते और जो है ये आर्टिकल 13(2) के तहत विधि में आ जाएगा संविधान संशोधन, तब संसद ने 25वां संविधान संशोधन निकाला 1971। और इसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या किया था संसद ने, जो मुआवजा वाली बात थी उसको क्या कर दिया था, राशि के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक, मतलब अब मुआवजे की जगह क्या होगा, राशि, एक निश्चित राशि आपको दी जाएगी अगर आपके जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक, अब इसके डिसीजन को पलटने के लिए क्या आया, फिर आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या था, 1972 में आया ये। ठीक, और इसका डिसीजन आया 24 अप्रैल 1973। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें उसमें कितने जजेस की बेंच बैठी थी, 11, तो यहाँ पर 11 से ज़्यादा जजेस हैं, 13। और इन्होंने क्या किया, ये जो शंकरी प्रसाद वाले में जो डिसीजन था उसी को क्या किया, मान्य किया फिर से। लेकिन एक यहां पर स्पेशल केस दिया कि संसद संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा उसको चेंज नहीं कर सकती, को परिवर्तित नहीं कर सकती। मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में आया, केशवानंद भारती केस में। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अपने पाले में रखी कि बेसिक स्ट्रक्चर के, सरकार ने पूछा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टाइम टू टाइम हम बताएंगे। तो हर एक संविधान संशोधन या हर एक कानून जब भी बनता है सुप्रीम कोर्ट अपने चश्मे से देखता है कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर ये उल्लंघन कर रहा है तो सब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वाइट कर देगा। ठीक, मतलब वो लागू नहीं होगा, उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। संपत्ति के अधिकार के अभी अवशेष हैं हमारे उसमें संविधान में, अवशेष किसके, संपत्ति के अधिकार के। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 31A के तहत सरकार ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया। मतलब किसी की जमीन का अधिग्रहण करना हो, अगर उसकी जमीन सीलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है तो कर सकती है सरकार। किसी कंपनी में शेयर होल्डर्स की शेयर धारिता को कम करना हो तो कर सकती है। खान को लीज पर देना हो, जो माइंस हैं उनको भी कम कर सकती है, उनको भी लीज पर दे सकती है, वो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये सारा काम 31A के तहत हुआ था। अब लेकिन जब हमने आपको मूल अधिकार पढ़ाया था तो मूल अधिकार में हमने क्या कहा था कि अल्पसंख्यक जो संस्थान है, आर्टिकल 29 और 30, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 15 के तहत जो आरक्षण दिया गया है कि आपको SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को जो है क्या करना पड़ेगा, शैक्षणिक आरक्षण देना पड़ेगा, वो चीज़ें आर्टिकल 29 के, या तो 29 नहीं, आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अवशेष दो ही हैं, पहला अगर सरकार
किसी अल्पसंख्यक संस्थान, अल्पसंख्यक दर्जे वाले प्राप्त संस्थान। की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसे बाजार मूल्य पर, जो भी उस समय का बाजार मूल्य होगा उस जमीन का, ये मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को। किसको? अल्पसंख्यक संस्थान। ठीक, मैंने आपको बताया है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, व्यक्ति के लिए है, लेकिन संस्थानों को अभी भी अधिकार है। वो भी कौन से संस्थान को? अल्पसंख्यक संस्थान। दूसरी बात, अगर किसी के जमीन का अधिग्रहण होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि कृषि की जमीन जो सरकार ने सीलिंग लिमिट लगा रखी है कि एक व्यक्ति के पास 40 बीघे से ज़्यादा जमीन नहीं होगी, तो अगर वो 40 के अंदर है और कहीं से सरकार हाईवे पास करा रही है या पास कर रही है, या जो है वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रही है, और फिर वो जमीन का अधिग्रहण करती है उस सीलिंग लिमिट के भीतर में, हदबंदी के भीतर में, तो सरकार को बाजार मूल्य के तहत जमीन वो क्या करना पड़ेगा? मुआवजा देना पड़ेगा। ये दो अवशेष हैं संपत्ति के अधिकार के, कहाँ पर? संविधान में। ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं डीपीएसपी इसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या है? पहली बात, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं संविधान में? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राज्य के मूल, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। पहली बात तो ये ली ध्यान में रखना है आपको, आयरलैंड के सिद्धांत से ये लिया, संविधान से ये लिया गया है। दूसरी बात, मूल अधिकार कहाँ थे? भाग 3 में, और ये कहाँ है? भाग 4 में। आर्टिकल इनसे रिलेटेड क्या है? 36 से लेकर के 51, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्योंकि ये चीज़ें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ठीक, तीसरी बात, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के साथ मिला करके इसको संविधान की आत्मा और दर्शन बोला जाता है। पूरे संविधान में क्या है, किसके बारे में बात की जाएगी, कैसी पॉलिसी बनेगी, अगर किसी को पूरा संविधान ना पढ़ना हो, केवल यही दो चीज़ें पढ़नी हो, तो वो पूरे संविधान की बुक का क्या कर सकता है? क्रक्स मिल जाएगा उसे, और वो ये बता सकता है कि इसमें और जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो किसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इनको क्या किया कहा गया है? संविधान की आत्मा और दर्शन। ठीक, एक संविधान वेत्ता थे ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने इसको संविधान की आत्मा बोला है। ठीक, किसको? डीपीएसपी को। ठीक, तो ये जरा चीजें ध्यान में रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया है? स्पेन से। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बुक में दिया था तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको डीपीएसपी की, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं
जैसे मूल अधिकारों की विशेषताएं हमने देखा था, वैसे ही ये डीपीएसपी की विशेषताएं हमें देखना है। डीपीएसपी की विशेषताएं क्या हैं? पहला ये है इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, सोशल एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, ये इनका क्या है, उद्देश्य है। दूसरी बात, ये मतलब जो नीति निर्देशक तत्व तो हैं, ये राज्य को नीतियों में, राज्य की नीतियों में समाविष्ट करने के लिए राज्य को दिए गए अनुदेश हैं। मतलब राज्य जो भी नीतियां बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, वो इन ये तत्व क्या करेंगे, उसके लिए गाइडेंस का काम करेंगे कि ये चीज़ें राज्य को करनी चाहिए, राज्य की नीतियों में इन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक क्या किया गया है इनके द्वारा, राज्य को गाइड किया गया है कि आप जब भी पॉलिसी बनाएंगे ये चीज़ें आपकी पॉलिसी में दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए। ठीक। तीसरी बात, इनकी स्थापना का मूल उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। लोक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो पुलिस राज्य के जस्ट अपोजिट होता, जिस राज्य में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता हो। राजनीतिक स्वतंत्रता तो आपको मिलती है मूल अधिकार से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता कौन देता है, डीपीएसपी। ठीक, ना कि पुलिस राज्य बनाना। इसका मेन पर्पज क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ना कि पुलिस राज्य की स्थापना करना। कानून का शासन हो, पुलिस का शासन ना हो। फोर्थ पॉइंट, ये देश के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन गैर बाध्य होते हुए भी क्या है, मूलभूत है देश के शासन में। तो ये मूलभूत है। मूलभूत इसी वजह से कहा गया है कि सरकार जब भी नीतियां बनाएंगी, कोई भी विधेयक आएगा, कोई भी कानून बनेगा, तो उनमें इनकी झलक होनी चाहिए। ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उसका व्यू जो है वो मिलना चाहिए, उसका दर्शन जो है उसमें कानून में दिखना चाहिए। ठीक, देश के शासन में ये मूलभूत हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित का मतलब समझ गए, मैंने मूल अधिकार में बताया था कि मूल अधिकार न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या हुआ कि उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं ये कहने के लिए कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमें हमारा मूल अधिकार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इनका उल्लंघन होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि राज्य की ये वाली पॉलिसी ये वाले डीपीएसपी को नहीं शामिल कर रही, इस वजह से गलत है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या है, कई सारे सुझाव दिए गए हैं, अनुदेश हैं ये राज्य के लिए। तो कई सारे सुझाव में से अगर एक सुझाव राज्य की कोई नीति फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि ये डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहा है इस लॉ या ऑर्डर में, तो आपका लिए कोर्ट जाने का कोई रास्ता नहीं खुला। बात समझ में आ गई। तो गैर न्यायोचित का क्या मतलब है,
उल्लंघन होने पर कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते, केस नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये हमारे डीपीएसपी का उल्लंघन है, ठीक। और चौथी बात, पांचवी बात, ये गैर न्यायोचित तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी कानून को अपने चश्मे से देखेगा और वो ये डिसाइड करेगा कि ये मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है, तो उस कानून को दो बातों पर परखेगा, एक डीपीएसपी, एक फंडामेंटल राइट। और मैंने आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट होते हुए भी मूल अधिकार होते हुए भी मूल अधिकारों के क्लोज भाग से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसका कारण यही था कि सरकार क्या चाह रही थी, जमींदारी उन्मूलन, जमींदारों को खत्म करना ताकि कृषकों का शोषण ना हो सके। और उस जमींदारी को उन्मूलन के लिए संपत्ति का अधिकार क्या बन रहा था, फंडामेंटल राइट, और वो क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो सरकार ने ये देखा कि अगर हम संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार रखेंगे, कोर्ट ने भी ये चीज़ समझी, सरकार की मजबूरी समझी। यही कारण है कि शंकरी प्रसाद मामले में क्या उन्होंने डिसीजन दिया कि आप मूल अधिकार चेंज कर सकते हैं। कारण क्या था, कारण यही था कि अगर हम संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार रखते तो हम कभी भी उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें सरकार, जिसमें का ये कहा गया है कि सरकार कुछ ऐसी तरीके से राज्य का संचालन करेगी, राज्य के व्यवस्था मेंटेन करेगी कि संपत्ति का अधिग्रहण ना हो, किसी एक जगह संग्रहित ना हो संपत्ति, वो क्या हो रहे, समाज में सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, बटी रहे, समझ गए बात। भौतिक संसाधन पर कोई एक इंसान कब्जा ना करे, ठीक है, वो राज्य की प्रॉपर्टी और वो सभी लोगों के लिए क्या है, उपलब्ध है, ठीक, बात समझ में आ गई। तो जब भी कानून बनेंगे वो दोनों बातों पर परखे जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 39B, 39C इनको लागू करने के लिए या डीपीएसपी के कोई प्रोविजन लागू करने, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जैसे ये आर्टिकल 39, 31, 39C, इनको लागू करने के लिए आप आर्टिकल 14 और 19 के लिए उल्लंघन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे समता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा और ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा। बात समझ में आ गई, 19(1) और F, ये था संपत्ति का अधिकार में, ठीक, संपत्ति के अर्जन वाले में, तो इसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या है कि जब भी कानून बनेगा उस वहां पर इन दोनों को क्या करा जाएगा, इनके दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाएगी, ना तो हम फंडामेंटल राइट को ज्यादा वरीयता देंगे और ना ही डीपीएसपी को, दोनों में क्या रहे, सामंजस्य बना रहे, तो किसी एक को अलग करके दूसरे को हम लागू नहीं कर सकते, ठीक। तो ये रही इसकी क्या, डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मूल विशेषताएं, ठीक। अब हम देख लेते हैं इनका वर्गीकरण, वर्गीकरण राज्य के नीति निदेशक तत्व तीन भागों में बटे होते हैं। एक है क्या, समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, और तीसरा है उदार बौद्धिक। तो बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या होगा। अच्छा देखिए, इसके पहले इनकी विचारधारा आपको पता होनी चाहिए कि मोटा मोटा है क्या। समाजवाद क्या है कि जहां पर संसाधनों का वितरण क्या हो, राज्य के अंडर में हो और लोग अपनी पर्सनल संपत्ति ना बना सकें,
मतलब जहां पर क्या होता है इक्विलिब्रियम या सबके लिए इक्वल चीजें हों, तो वो है समाजवाद। ठीक, मतलब कि अगर कोई ज्यादा पढ़ने में तेज है तो उसको नहीं पढ़ाना है, क्यों? क्योंकि उसका भाई कमजोर है। तो सभी को क्या करना है, इक्वल सुविधा देना है। अगर हम इसी का अपोजिट करें, जैसे आप कह रहे थे आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष समता, अगर हम सभी को इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर हम अपवाद नहीं रख पाएंगे। जबकि समाज क्या कहता है, एक लोकतंत्र में क्या होता है, या एक जिसे आप कहते हैं कि तार्किक समाज में, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं कि समानता के नाम पर आप किसी के टैलेंट को क्या करिए, हतोत्साहित कीजिए, टैलेंट का सम्मान ना कीजिए। और मैंने आपको बताया था उपाधियों के अंत में जो आर्टिकल 18 है उसमें यही कहा गया है कि समानता है, उपाधियों को ख़त्म तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहित भी किया जाए, और इसीलिए उनको पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री दिया जाता है। और साथ में ये भी कहा गया है ताकि ये लोग क्या करें, पुरस्कार हैं ये, उपाधियां नहीं हैं, तो ये अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकते, ये भी साथ में कह दिया गया। तो विधि के समक्ष समता में अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो इससे दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये, जिसके पास टैलेंट है वो क्या होगा, हतोत्साहित होगा, उसको हम आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। और तीसरी बात ये कि राज्य पर इतना बोझ आ जाएगा कि वो अगर वो कहे कि किसी को जो है काम करने की जरूरत नहीं है, सबको खाना राज्य देगा, तो कोई काम करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। बात समझ में आ गई? तो समाजवाद का ये मतलब। गांधीवाद, गांधीवाद का मेन फोकस क्या था कि समाज के वंचित वर्गों को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, जिनका सामाजिक ताने बाने के कारण दमन हुआ वर्षों से, उनको क्या किया जाए, अस्पृश्यता का अंत करके उनको क्या किया जाए, समाज के बाकी लोगों के दायरे में लेवल पर लाया जाए, यह है गांधीवाद। और जब हम इतने समानता पर बात कर लें कि जो है कि हम सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिकता वाला कॉन्सेप्ट, कि हम अपने वैज्ञानिक शोधों पर विचार करें, हम मानव को मानव की तरह ट्रीट करें, वस्तु की तरह ट्रीट ना करें, तो वो क्या हो जाएगा, उदार बौद्धिक। ठीक, इसका ये मतलब। तो समाजवादी में क्या है, पहला है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है समाजवादी में, कि राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक इनके न्याय की व्यवस्था करेगा। राज्य की नीतियों का संचालन कुछ ऐसा होगा कि ये तीनों न्याय क्या मिल सकें, उस नीतियों से मिल सकें, किसको, नागरिकों को और वहां के जो भी निवासी हैं राज्य के। इसके लिए उन्होंने आय, पद या प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करने पर बल देता है राज्य। किसी की आय इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो दूसरे का क्या कर सके, दूसरे को खरीद बेच सके। मैंने आपको क्या बताया कि मनुष्य मनुष्य की तरह ट्रीट हो, वस्तु की तरह नहीं। दास व्यापार हमने कब खत्म किया, 1843 में। ठीक है, वहां पर तो मनुष्य को मनुष्य ही नहीं समझा जाता था। तो यहां पर आर्टिकल 38 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य अपनी व्यवस्था का संचालन कुछ इस तरीके से करेगा कि व्यक्तियों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। सामाजिक का मतलब पद या प्रतिष्ठा, आर्थिक का मतलब आय और राजनीतिक का मतलब अवसर की समानता। ठीक, ये समानता इंक्रीज हो या असमानता कम करे। ठीक, तो ऐसी नीतियां राज्य बनाएगा। ये आर्टिकल 38 है जो कि कहाँ आ रहा है, समाजवादी। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है कि
राज्य कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा, पहली बात, कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, किसी एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा संसाधन ना हो जाए कि वो पूरे समाज को उस संसाधन पर निर्भर रहना पड़े या उसकी दया दृष्टि पर निर्भर रहना पड़े। दूसरी बात, बालकों महिलाओं वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, तीसरा काम की उचित दशा का निर्धारण करें। ऐसा नहीं कि मजदूर वर्ग है तो उसका क्या करें, शोषण करें, जैसे उचित मजदूरी, ये सब क्या है, आर्टिकल 39 में क्या होना चाहिए, समाहित होना चाहिए। ठीक, धन का संकेंद्रण, तो राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा कि वो इसके तहत क्या हो, मतलब ये गाइडलाइंस राज्य को होनी चाहिए। ठीक, ऐसी नीतियां बनाएगा कि ना तो भौतिक संसाधनों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो समाज में। ठीक, आर्टिकल 39 है ये, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या कहता है, कि कमजोर वर्गों को वंचित वर्ग महिलाओं के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, उनसे फीस नहीं ली जाएगी, इसकी वकीलों की। ठीक, और ये कौन, उस वकीलों को कौन पे करेगा, गवर्नमेंट। तो इसी वजह से हर एक कोर्ट में क्या होते हैं, सरकारी वकील। सरकारी वकील के पास कमजोर वर्ग वंचित वर्ग महिलाओं के लिए फ्री केस वो लड़ेंगे, उनको पे कौन करेगा, गवर्नमेंट। लेकिन उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही दो वकील होते हैं जो कि इसी कोर्ट में सरकारी वकील। ये तो हुआ 39A। फोर्टी, फोर्टी वहां जाएगा समाजवादी, वो उसमें गांधीवादी में। 39B और C वही हैं जो भूमि सुधार से हैं, कि भौतिक संसा ऐसी नीतियां बनाना है कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो। तो अब आ रहा है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में सामाजिक सहायता राज्य देगा, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्तता, हाथ पैर ना काम कर रहा हूं, निःशक्तता के केस में हॉस्पिटल का चार्ज या उसको सामाजिक सहायता। ठीक, विकलांगों को सामाजिक सहायता, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या वो करेगा, राज्य व्यवस्था करेगा आर्टिकल 41 के तहत। ठीक, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक, ये सब आर्टिकल 41 के तहत आता। यहां पर 39A में एक चीज और लिख लीजिएगा,
न्याय, दी आर्टिकल 39A में आता है। तो आर्टिकल 41 हो गया। अब आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 क्या कह रहा है? काम की, कार्य की मानवोचित दशाएं, एवं मातृत्व लाभ, ठीक, ये सब कहां पर आ रहा है? आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैटरनिटी लीव देते हैं महिलाओं को, जो भी प्राइवेट हो या सरकारी किसी भी नौकरी में हो, तो किसके तहत दी जाती है? आर्टिकल 42 के तहत। ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक, क्योंकि प्रकृति ने जो जन्म की जिम्मेदारी दी है वो महिलाओं को दी है, ठीक, तो इसके लिए उनको क्या है, विशेष प्रावधान दिया गया है। तो आर्टिकल 42। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में दो हैं, एक ए और एक बी, ठीक। आर्टिकल 43 ए क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है कि उद्योगों में जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो कामगार होते हैं, जो वहां पर काम करते हैं, उनको कुछ अधिकार मिले हैं। पहला, राज्य की नीतियां ऐसा हो कि वो क्या कर सकें, संगठन बनाने का उनका अधिकार है। संगठन बनाने को उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, एसोसिएशन जो आप कह रहे हैं। आर्टिकल 43B ये आएगा गांधीवादी में, और ये क्या है, सरकारी समितियां, ठीक। आर्टिकल 43 ये भी हो सकता है कुटीर उद्योग, सहकारी उद्योग, ये सब आर्टिकल 43 में ही आते हैं, ठीक है। इनको राज्य क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक। कुटीर उद्योग और ये सहकारी उद्योग ये क्या कर रहे हैं, गांव में गरीबी दूर करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं, ठीक। भाईचारा भी इनका बना रहता है, ठीक, आपस में डिस्प्यूट कम होते हैं, सरकार का भी पैसा कम खर्च होता है। तो ये हो गया 43। फिर इसके बाद एक और लिख लीजिए इसमें, 47 क्या है, पोषाहार, ठीक, और जिसे कहते हैं समान मजदूरी, कि पुरुषों और महिलाओं को इक्वल वेतन दिया जाए, वो आर्टिकल किस में आ रहा है, 47 में, ठीक। तो ये क्या है, समाजवाद के, समाजवादी जो नीति निर्देशक तत्व तो हैं उनके ये अंग है, ठीक। अब चलते हैं गांधीवादी में। गांधीवादी में मोटा मोटा आप दो तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो आर्टिकल 40, जो कि ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, और ना केवल गठन बल्कि इनको शक्तियां भी क्या की जाए, प्रदान की जाए। और इसी का कारण है
इसी कारण से क्या हुआ कि संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लोकल गवर्नमेंट की अवधारणा रखी गई। ठीक, ये जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत देखते हैं ये आर्टिकल 40 है। ठीक, आर्टिकल 43B ये क्या कह रहा है, सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 43। ठीक, एक है आर्टिकल 48। 48 क्या कह रहा है, दुधारू पशुओं का संरक्षण। ठीक, ये जो गोवध पर प्रतिबंध लगे हैं ये गांधीवादी अधिकारों के ही देन है। ठीक, बात समझ में आ गई। एक यहां पर और लिख लीजिए, 46, एससी एसटी को सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा उनकी उन्नति के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, वो आर्टिकल 46 है। एक इसमें ये भी लिख लीजिए 47। 47 में मैंने आपको बताया पोषाहार, तो पोषाहार में ही एक चीज़ और आ जाती है, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। नशा पर प्रतिबंध, मद्यपान, जो रासायनिक पेय पदार्थ होता है जिसको पीने के बाद आदमी इंग्लिश बोलने लगता है, तो ये भी इस पर क्या है, प्रतिबंध है। तो अगर बिहार गवर्नमेंट शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा रही है तो क्या कहेगी कि हम आर्टिकल 47 का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। उसमें कहा गया है, गांधी जी ने कहा था कि मद्यपान क्या है, लोगों की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक उन्नति के लिए बाधक है। तो उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो है नशीली दवाओं का कारोबार करना ये मूल अधिकार में नहीं आता। ठीक, आपको कुछ और काम करने का अधिकार है, ठीक, जो लीगल हो। ऐसा नहीं कि आप महिलाओं और बच्चों को बेचने लगें या नशीली दवाओं के कारोबार करने लगें या दुधारू पशुओं को मारने लगें। इसी वजह से गोवध हत्या प्रतिबंध आया, ठीक है, उसके बाद नशीली वो शराब के ठेके बंद होने लगे। तो ये सब क्या है, राज्य के निर्देशक तत्व में लिखा गया। ठीक, यहाँ पर कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं ज़रा। ये जो 43B है ये आया 97वें संविधान संशोधन, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। इसी के द्वारा मूल अधिकार के आर्टिकल 19 में संशोधन करके क्या बता दिया गया था कि सहकारी समिति और संघ बनाने का मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था। संघ बनाने का मूल अधिकार है, संघ की सदस्यता लेने का मूल अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि वो सदस्यता आपको लेना ही लेना है, आप संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरी बात यहां पर जरा देख लेते हैं, आर्टिकल 38 और 39 ये आए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक, एक ये भी है, सॉरी 43A, ये निर्वाह मजदूरी
या न्यूनतम मजदूरी की बात करता है, ठीक है? तो ये भी आया आपका 42th, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो समाजवादी कौन कौन से हो गए? आर्टिकल 38, 39A और 43A, ये किस में आया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल 43B जिसमें सहकारी समितियों और संगठन बनाने का अधिकार है, वो किस में आएगा? 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा और गांधीवादी में, ठीक? तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बी नहीं है, ठीक, 43A है। अब चलते हैं उदार बौद्धिक में। उदार बौद्धिक के कौन कौन से अधिकार हैं, उसकी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? निजी निदेशक तत्व, पहला तो याद रखिएगा 44, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसे ही याद रखिएगा, यहां पर दोनों डिजिट क्या है? इक्वल है, यूनिफॉर्म है, ठीक। समान नागरिक संहिता, ये कहां पर आएगा? उदार बौद्धिक में आएगा। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ये कहता है कि कुछ मामलों में राज्य के द्वारा, जिसे आप कह रहे हैं 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये किसका कर्तव्य है? राज्य का। वो आर्टिकल 45 में लिखा है, ठीक। एक है आर्टिकल 48A, 48 तो क्या था? दुधारू पशुओं का संरक्षण था, ठीक। 48A क्या कह रहा है? पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है। अब पर्यावरण, अब देखिए इनको उदार बौद्धिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें वही आर्टिकल, वही चीजें लिखी गई हैं जो आदमी के को एक रिलैक्स होने के बाद समझ में आती हैं। अगर उसके पास खाने को ही नहीं रहेगा तो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जब पेट भरा है तो नए नए विचार उस पर आएंगे कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ ये फ्री में कर देते हैं, ठीक। तो इसी वजह से इनको उदार बौद्धिक कहा गया। तो 48 में क्या है? पहले क्या था कि पहले अपना ही संरक्षण कर लें, तो मूल अधिकार से उनको अपना संरक्षण मिला, तो उसके बाद ये पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये 48A है। 49 वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने की बात करता है। 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये पृथक्करण के सिद्धांत को बताता है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर राज्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा इस, क्योंकि उल्लंघन कौन करेगा? कार्यपालिका। तो न्यायपालिका उस उल्लंघन को क्या करेगी? उससे रिलीफ दिलाएगी, मदद दिलाएगी, इसलिए इनका पृथक्करण की बात कही गई। और आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा, किसी भी विवाद को मध्यस्थता से हल करना, ठीक, कूटनीतिक ढंग से, युद्ध ही हर समस्या का सलूशन नहीं है। आर्टिकल 49 में एक चीज मिस हो गई, आर्टिकल 49 है ये, राष्ट्रीय विरासत स्थल, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान
इनका क्या करना है, संरक्षण करना। ये किसका कर्तव्य है, ये किसका जो है नीतियां, मतलब नीतियां बनाने का गाइडेंस है डीपीएसपी का, ठीक है, राज्य को, कि राज्य उनका क्या करेगा, संरक्षण करेगा। ठीक, तो आप लोग देखते होंगे एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, साइट्स को संरक्षित करता है। ठीक, जो वैज्ञानिक शोध में बता रहा था वो आर्टिकल 48 में है, तो आर्टिकल 48 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा, कृषि में सुधार, पशुपालन में सुधार, पशुपालन का क्या है, वैज्ञानिक ब्रीडिंग, साइंटिफिक, तो ये सब क्या है, आर्टिकल 48 में है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इनको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आर्टिकल 38 सभी में समानता की बात कर रहा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता, आय पद या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उसकी बात कर रहा। आर्टिकल 39, 39 क्या कह रहा है, कि कुछ अनुदेश, कुछ गाइडेंस सरकार को नीतियां बनाते समय फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे महिलाओं और बच्चों का शोषण ना हो, नीतियां ऐसी बनाएं, सभी को समान निर्वाह मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले। ठीक, ये सब आर्टिकल 39 में है। 39A क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39A में है। 40 में है ग्राम पंचायत, 41, 41 में क्या है, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में सामाजिक सहायता का अधिकार, राज्य द्वारा सामाजिक सहायता दी जाएगी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, निःशक्तता की दशा में राज्य के द्वारा सहायता की जाएगी। ठीक, तो ये आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 मातृत्व लाभ, तो याद रखिएगा मैटरनिटी लीव आर्टिकल 42 में है। काम की न्यायोचित दशा, छोटा बच्चा है तो क्रेच की सुविधा, लेडीज के लिए अलग टॉयलेट, ये सब क्या है 42 में। ठीक, 43 औद्योगिक कामगारों को कुछ विशेष सहायता राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी, वो कौन सी होगी। 43A कहता है न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, इतनी मजदूरी दी जाएगी कि वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकें, शिष्ट जीवन, ठीक, अभाव में नहीं। और आर्टिकल 43B क्या कहता है, सहकारी समितियां बना सकते हैं, सहकारी राज्य की नीतियां ऐसी होंगी कि वो सहकारी समितियों को, मजदूर के संगठनों को वो क्या करेंगी, बढ़ावा देंगी। ठीक, 43 हो गया। 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 चौदह वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 45 हो गया। 46 SC ST को सहायता, 46 हो गया। 47 मद्यपान पर प्रतिबंध, पोषाहार, 48 महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन, ये आर्टिकल किस में आ रहा है, 47 में। 48 में वैज्ञानिक शोध, के बाद पशुपालन, का वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना, दुधारू
पशुओं के वध पर प्रतिबंध ये 48 में है। 49 में स्मारकों का संरक्षण। फिफ्टी में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से पृथक्करण। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बढ़ावा देना, ठीक, मध्यस्थता करना और क्या करना, जरूरत पड़ने पर कूटनीति का इस्तेमाल करना, ठीक। अब देख लेते हैं संविधान संशोधन कौन कौन से। थर्टी एट, 39A और 43A, ये किसके द्वारा आए? ये आए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। 43B ये किसके द्वारा आए? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011, ठीक। और फिर एक चीज और लिख लीजिए, 48 भी कहाँ से आया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 48, ठीक। 48 में दो हैं, यहाँ पर वापस से एक बार देख लेते हैं, 48A है यहाँ पर, 48 वैज्ञानिक शोध, 48A है पर्यावरण संरक्षण। तो जो 48A आया वो भी कहाँ से आया? 42वें संविधान संशोधन से। और जो 45 है जिसमें 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आया 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक। ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, ठीक है, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो खूब अच्छे से पढ़िए, लिख करके रिवाइज कीजिएगा तो चीज़ें ध्यान में रहेंगी, ठीक। और रटिएगा मत चीज़ों को, समझिएगा, ठीक है। तो आराम से, और ये ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं कौन सा किसका है, ठीक। अगर ये याद रहेगा तो आप निबंध, अगर याद रहेगा तो आपका आंसर की क्वालिटी ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें खाली आप कुछ आर्टिकल का जिक्र कर देंगे तो आपकी क्वालिटी या नंबर मार्क्स जो है आपको वो ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, मूल कर्तव्य तक चीज़ें एकदम सारे आर्टिकल्स टिप्स पर होने चाहिए, ठीक, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, ठीक, वैसे ही जैसे पापा का नाम, ठीक। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और हंसते खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।